guys, welcome to CA Foundation classes. I am Vrinda Chugh and I will be teaching you paper number 4, part 1, that is Business Economics. Basically, it comprises of 5 chapters and I will be uploading each and every chapter free of cost for you all on this channel. So don't forget to subscribe. And if you want to complete your syllabus a little bit earlier, then you can visit our website, that is www.edu91.org. I repeat, www.edu91.org. To get all the updates, you just need to do 2 things. First is subscribe to our YouTube channel, and second, you need to visit our website edu91.org. Thank you so much. Hey guys, welcome back. अब जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं मटेरियल क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, ICAI का स्टडी मटेरियल है। क्या है ICAI का स्टडी मटेरियल? जब आपने CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, आपको कुछ बुक्स मिली होंगी, वही बुक्स हैं ये। बाय चांस आपके पास नहीं है तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो www.icai.org। यहाँ पे आपको फ्री बुक्स मिल जाएंगी, सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि हम जितना मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। सपोज करो मेरे को मैंगो बहुत पसंद है, और मेरे को क्रेविंग हो रही है कि मेरे को मैंगो खाने हैं। तो जब मैं फर्स्ट मैंगो खाऊंगी, फर्स्ट बाइट खाऊंगी मैंगो की, तो मेरे को जो यूटिलिटी मिलेगी, जो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो सबसे ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट बाइट लूंगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसे डिक्रीज होती जाएगी, तो ये जो हमारी चीज है कि यूटिलिटी कम होते रहना, सेटिस्फैक्शन हमें कम मिलते रहना, लेमन लैंग्वेज में आप इसे ही बोल सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम अब पहले रीड करेंगे और फिर मैं साथ साथ आपको समझाती जाऊंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉज अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility is based on an important fact that while total wants of the person are virtually unlimited, हमारी जो human wants होती हैं वो कैसी होती हैं? Unlimited होती हैं। Each single want is satiable, that is each want is capable of being satisfied. Although हमारी wants जो होती हैं that are unlimited, wants कभी खत्म नहीं हो रही हैं, but हर want is capable of being satisfied. क्या है? Satiable. Since each want is satiable, as a consumer consumes more and more units of a good, the intensity of his want for the good goes on decreasing. हमारी जो भी wants होती हैं, क्योंकि consumer बार बार ही अगर वही चीज, जैसे मैंने आपको बोला mango, मैं बार बार ही वही खा रही हूँ, तो मेरी intensity क्या हो जाएगी? Want उस mango खाने की intensity मेरी डिक्रीज होती जाएगी। एंड अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स इट। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मेरे को होगा कि मेरे को मैंगो चाहिए ही नहीं, मेरे को मैंगो खाना ही नहीं है। आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो उसे क्या होता है, आपको एक टाइम पे आके आपको लगता है मेरे को खानी ही नहीं है। आप क्या बोलते हो, मेरे से दूर रखो, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत बारी और बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुके होते हो। Thus, the greater the amount of a good a consumer has, the less an additional unit is worth to him or her. क्या है? जितना ज्यादा अमाउंट होगा गुड का कंज्यूमर के पास, उतनी ही उसको वर्थ, एडिशनल यूनिट की वर्थ जो होगी वो कम होगी। मेरे पास
मैंगोज हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं, अगर मेरे पास यही सिर्फ एक स्लाइस है मैंगो का, तो मेरे लिए जो उसकी वर्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे पास चीजें बहुत लिमिटेड हैं। अगर यही मैं बोलूँ मेरे पास 100 मैंगोज हैं, तो मेरे लिए मैंगो की वर्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑल्दो मेरे को मैंगो पसंद है, बट एक टाइम पे आके मेरे को लगेगा मेरे को और नहीं चाहिए, तो हमारी वर्थ, एडिशनल यूनिट की वर्थ कम होती जाएगी। मार्शल, मार्शल कौन थे, अल्फ्रेड मार्शल, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस स्टेटेड द लॉ एज फॉलोज। इन्होंने लॉ क्या बताया, ये जो हमने ऊपर अभी सारा देखा ये सिर्फ एक जनरल टर्म्स में था, आपको सिर्फ मीनिंग कन्वे हो गया हो कि लॉ ऑफ मार्शल, डिमिनिशिंग मार्शल यूटिलिटी है क्या, बट एग्जैक्टली लॉ की लाइन क्या है हम वो पढ़ते हैं। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो बेसिकली यही बताया गया है कि एक बंदे को जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाता है, गुड गुड बढ़ता जाता है, एडिशनल बेनिफिट जो होता है वो डिमिनिश करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है हर एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से। इन अदर वर्ड्स, एज अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी, कीपिंग कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज, द मार्शल यूटिलिटी ऑफ द वेरिएबल कमोडिटी मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। तो क्या है इसमें, ये बोलते कि अगर हमारा, मतलब कोई भी कंज्यूमर की कंजम्पशन एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए इंक्रीज हो रही है, एक के लिए आपकी बहुत इंक्रीज हो गई आपकी कंजम्पशन, और सारी कमोडिटीज की बिल्कुल कांस्टेंट है, जो तो वेरिएबल वाली जो है, जो हमारी इंक्रीज हो रही है, जो चेंज हो रही है, जो कांस्टेंट नहीं है, उसकी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कैसे होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। कैसी होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दिस लॉ डिस्क्राइब्स अ वेरी फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ अ ह्यूमन नेचर। इन सिंपल वर्ड्स इट सेज दैट एज अ कंज्यूमर टेक्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट ही डिराइव्स फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गुड गोज ऑन फॉलिंग। इट इज नोटेड दैट इट इज नोटेड दैट इट इज द मार्शल यूटिलिटी एंड नॉट द टोटल यूटिलिटी विद डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। ये अभी हम जब एग्जाम्पल देख रहे हैं नीचे वाला, उसके साथ आपको ये रिलेट कर पाओगे, आपको क्लियर हो पाएगा। टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी स्केड्यूल, वो बोल रहा है क्वांटिटी है किसकी, चॉकलेट बार कंज्यूम, आपने कितनी चॉकलेट्स कंज्यूम करनी। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली द समेशन, मतलब जो भी हमारा एक्चुअल यूटिलिटी आया, मतलब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, हम इसे क्यूमुलेटिव, हम जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे, ऐसे ही क्यूमुलेटिव अगर हम करते जाएं तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल यूटिलिटी। वन यूनिट, अगर हम एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी उससे 30, मतलब 30 यूटिल्स, हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, यूटिल्स में, तो हमें 30 यूनिट्स बोल रही हूँ मैं अभी, वैसे यूटिल्स है वो, तो एक एक चॉकलेट बार को कंज्यूम करने के लिए 30 यूटिल्स हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी हो गई 30, बिकॉज फर्स्ट है, फर्स्ट बाइट है, फर्स्ट चॉकलेट है, तो हमारी यूटिलिटी ज्यादा है, तो हमारी टोटल यूटिलिटी भी वही होगी और मार्जिनल यूटिलिटी भी वही होगी। अब मैंने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम करी, जैसे ही मैंने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम करी, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी हो गई 50, टोटल यूटिलिटी हो गई 50, फर्स्ट खाए मेरे को 30 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिली, जब मैंने सेकेंड खाए तो मेरे को सिर्फ 20 20, मतलब मैं 20 यूटिल्स मेरे को सेटिस्फैक्शन मिली, तो 20 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी, और टोटल हो जाएगा जब हम इसको इसके साथ ऐड कर देंगे वी विल गेट
total utility. We will get total utility. ऐसी third खाई तो हमें को 15 की satisfaction, 15 utils की satisfaction मिली. तो मैंने क्या किया, 50 को अब 15 से add किया तो मेरे पास क्या आ गया, total utility. अब क्या लिखा हुआ है, लेट अस इलस्ट्रेट द लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. कंसीडर टेबल 6, ये रहा टेबल 6 हमारा जो हमने देखा है, इन व्हिच वी हैव प्रेजेंटेड द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द चॉकलेट बार्स कंज्यूम. व्हेन वन चॉकलेट बार इज कंज्यूम द टोटल यूटिलिटी डिराइव्स इज 20 यूटिल्स. हम यूटिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, यूटिल्स में. जैसे हम अगर मिल्क लेने जाते हैं तो हम मेजरमेंट कैसे, मेजर कैसे करते हैं मिल्क, लीटर्स में. हम कैसे बोलते हैं कि हमें 1 लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर्स मिल्क चाहिए, लीटर्स में करते हैं. ऐसे हम यूटिलिटी को यूटिल्स में करते हैं. एंड द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज आल्सो 30 यूटिल्स. विद द कंजम्पशन ऑफ सेकेंड चॉकलेट बार द टोटल यूटिलिटी राइजेस टू 50 बट द मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स टू 20. हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 30 थी पहले में, अब है 20, बट हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. वी सी दैट टिल द कंजम्पशन ऑफ द चॉकलेट बार इंक्रीजेस टू 9, जब तक वो 9 पे आती है, द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एडिशन गोज ऑन डिमिनिशिंग. यहाँ सबसे पहले हमारे पास कितनी थी, 30 थी, फिर 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 0, फिर -4. मतलब क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है. That is the total utility goes on increases. Total utility हमारी बढ़ रही है क्योंकि हम add करे जा रहे हैं. The 10th chocolate bar adds no utility. 10th chocolate जब वो लेता है उसे कोई satisfaction नहीं मिलती है, वो जबरदस्ती खा लेता है. The total utility remains 98. यहाँ पे हमारी total utility increase नहीं होती है. However, when the chocolate bar consumed increases to 11, instead of giving positive marginal utility, it gives negative marginal utility. The 11th chocolate bar gives negative marginal utility or disutility as it may cause a discomfort. उसको discomfort हो जाता है. अगर मैं खा रही हूँ, मेरी limit है कि मैं 10 chocolates खा सक, मतलब 9 chocolates मैंने खाई, utility मेरी कम हो रही थी, 10th unit पे मेरे को कोई satisfaction नहीं मिली, बस मैंने खा ली, बट 11th वाली मैंने जबरदस्ती खाई, मेरे को परेशानी हो रही थी खाने में, तो मेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, -4. तो हमारा टोटल यूटिलिटी भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. फ्रॉम टेबल 6 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स. ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी राइजेस एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव. हमारा जहाँ तक हमारा पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ तक पॉजिटिव है, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट बिकॉज MU इज डिमिनिशिंग. हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है बट बहुत कम कम रेट से बढ़ रही है. मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस थ्रू आउट. मार्जिनल यूटिलिटी पूरा टाइम गिरती ही रहती है क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन फर्स्ट चीज खाने में, फर्स्ट बाइट खाने में मिलती है वो मैक्सिमम होती है. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, इट इज अ सैचुरेशन पॉइंट. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग. जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, टोटल यूटिलिटी हमारा गिरना स्टार्ट कर देता है. MU is the rate of change of TU or the slope of TU. ये आपकी MCQ question बन सकता है कि slope of TU क्या है, slope of total utility क्या है, ठीक है. MU can be positive, zero or negative. हमने देखा है इसमें कि positive भी है, zero भी है और negative भी है. तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब एक ग्राफ बनाया हुआ है जो हमें टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बता रहा है. हमने कैसे प्लॉट किया, क्वांटिटी और हमारी यूटिलिटी जो मिली. सिर्फ हमने, मतलब ग्राफ हमें अब प्लॉट करना आता है, हमने
पहले जब थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था, एक आधा ग्राफ हमने देखा भी था कैसे प्लॉट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्लॉट किया और हमने इसका शेप देखा है कि हमारी जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो हमारा टी यू बढ़ रहा होता है बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है, जब जीरो होती है हमारा टी यू मैक्सिमम होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे होता है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव जाती है तो हमारा टी यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. As will be seen in the from the figure, the marginal utility curve goes on declining throughout. हमने देखा कि वो decline हो रहा है. The diminishing marginal utility curve applies to almost all commodities. A few exceptions, however, have been pointed out by some economists. According to them, this law does not apply to money, music, hobbies. क्योंकि जब आप किसी कोई चीज़ आपकी हॉबी है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है, मतलब ये नहीं कि कम होती ही जाएगी, इतने ज़्यादा नहीं होगी. वाइल दिस मे बी ट्रू इन इनिशियल स्टेजेस बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, दिस विल ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू डिमिनिशिंग यूटिलिटी. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल गुड. जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली चीज में आपको बताऊंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी. इट स्टेट्स दैट एज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड विद अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड डिक्रीजेस. जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाती है, क्वांटिटी ऑफ गुड इंक्रीज होता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है. जैसे हमने अभी चॉकलेट के केस में देखा कि हमारी अगर कंज्यूमर कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट कर रहा है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. इन अदर वर्ड्स द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. हमने ये देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग है. नाउ अ कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग अ गुड टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड बिकम्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस. इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू इट्स प्राइस. कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगा. मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम का. हियर हिज सैटिस्फैक्शन विल बी मैक्सिमम. जहाँ पे एमयू प्राइस के इक्वल हो जाएगा वहां पे सैटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. What happens when there is a change in the price of the good? अगर हमारा प्राइस चेंज हो रहा है एक कमोडिटी का, एक गुड का जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका प्राइस चेंज हो रहा है तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या होगा? The equality between the marginal utility and the price is distributed when the price of the good falls. The consumer will consume more of the good so as to restore the equality between the marginal utility and price. The marginal utility from the good will fall when he consumes more of the good. हमने क्या देखा था कि जितना ज्यादा हम consume करना शुरू कर देते हैं एक ही good को, एक ही commodity को, हमारी marginal utility कम होती जाती है, ultimately zero हो जाती है और वो फिर negative हो जाती है. The marginal utility from the good will fall when he consumes more of the good. He will continue consuming more till the marginal utility becomes equal to the newer. New lower price. On the other hand, when price of the good increases, he will buy less so as to equate the marginal utility to the higher price. We can say that the downward sloping demand curve is directly derived from the marginal utility curve. जो हमारा downward sloping demand curve होता है, किस वजह से होता है? Because of marginal utility curve. In reality, a consumer consumes his income on more than one good. In such cases, consumer equilibrium is explained with the law of equi-marginal utility. अब ये equi-marginal utility क्या होता है? तो ये equi-marginal utility क्या है? ये देखो, law of equi-marginal utility आप note कर सकते हो, rough में लिख सकते हो अपने पास, या book में ही आप side पे लिख लो. If MU of money spent on commodity A, हम दो commodities assume कर रहे हैं यहाँ पे, A और B, A and B, दो commodities हैं. अगर हमारा MU of A is greater than the MU of B,
तो कंज्यूमर क्या करेगा? If MU of money spent on commodity A is greater than the MU of money spent on commodity B, the consumer will withdraw some money from the purchase of B. क्या करेगा? B से कुछ withdraw कर लेगा और A में पैसा लगा देगा. Till the MU of money in the two cases become equal. हमारा जो MU होना चाहिए वो जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब इक्वल करना है हमें, तब तक वो क्या करता रहेगा, एक से विड्रॉ करेगा दूसरे में लगाएगा. दिस इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज स्पेंडिंग हिज मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस एंड द लास्ट रुपी स्पेंट on each commodity yields him equal marginal utility. The law states that the consumer is said to be at equilibrium when the following condition is met. क्या है वो condition? क्या है कि हमारा जो ratio होना चाहिए, किसका, MU और price के जो ratio है दोनों commodities का equal होना चाहिए. MU of X upon price of X, ये हमारा equal होगा. किससे equal होगा? Y वाले गुड से. ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा consumer जो है equilibrium पे है और law of diminishing marginal utility बोलता है कि जब हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू शुड बी इक्वल टू द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ अदर कमोडिटी, दैट इज वाई मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई. जब ये सेटिस्फाई होगा तो हमारे कंज्यूमर किस पे है, इक्विलिब्रियम. तो ये है हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएगा लिमिटेशंस. इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ द लॉ. The law of diminishing marginal utility is applicable only under certain assumptions. पहली limitation है homogeneous units. The different units consumed should be identical in all respects. The habit, taste, temperament, income of the consumer should also remain unchanged. Homogeneous क्या होता है कि same होना चाहिए, identical होनी चाहिए हमारी जो units हैं. कभी ये लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा. अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे हमारा लॉ फेल हो जाता है. सेकेंड है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन. द डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स. इफ अ थर्स्टी मैन इज गिवन वाटर बाय सक्सेसिव स्पूनफुल्स, द यूटिलिटी ऑफ द सेकेंड स्पूनफुल ऑफ वाटर मे कंसीवेबली बी ग्रेटर दैन द यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट. तो बेसिकली अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं एक प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ, सपोज करो मैं बोलती हूँ कि मैं नाइन मैंगोज खाने हैं, तो यही अगर मैं पर मतलब एक वीक में खा रही हूँ, अगर यही मैं एक वीक में खा रही हूँ तो मेरी यूटिलिटी अलग होगी, और यही अगर मैं एक दिन में खा रही हूँ तो मेरी यूटिलिटी अलग होगी. यहाँ पे मेरी यूटिलिटी ज्यादा होगी, मेरे को सेटिस्फेक्शन खा के ज्यादा मिल रही होगी. अगर मैं एक ही दिन में 9 मैंगोज खा गई तो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, एक टाइम पे वो नेगेटिव हो जाएगी. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन. देयर शुड बी नो टाइम गैप और इंटरवल बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अनदर यूनिट. देयर शुड बी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन. हमारी कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस. अगर हमारी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हमारी वो जो हम मार्जिनल यूटिलिटी वाली चीज देखते हैं वो फेल हो जाएगी, बिकॉज कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन से ही तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है. द लॉ फेल्स इन केस ऑफ प्रेसिजियस गुड्स. द लॉ मे नॉट अप्लाई टू आर्टिकल्स लाइक गोल्ड, कैश, डायमंड्स एक्सेट्रा. Where a greater quantity may increase the utility rather than diminish, it also fails to apply in case of hobbies, alcohol, cigarettes, rare collections, etc. जो भी हमारी ये सारी चीजें होती हैं, गोल्ड हो गया, कैश हो गया, हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो,
तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम थोड़ी हो जाए, हमारी तो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता जाता है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। केस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यूटिलिटी इज नॉट इन फैक्ट इंडिपेंडेंट, द शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व मे बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स विच आर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टी मे बी सीरियसली अफेक्टेड इफ नो शुगर इज अवेलेबल एंड द यूटिलिटी ऑफ बॉटल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स विल बी अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ फ्रेश जूस। तो बेसिकली हमारी जो यूटिलिटी है, जो कंजम्पशन है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? रिलेटेड गुड्स पे। अगर मैं बोलूँ टी, अगर शुगर नहीं है, आप शुगर के साथ ही टी कंज्यूम करते हो और शुगर है ही नहीं, तो हमारी यूटिलिटी पे, हमारी कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो लास्ट है हमारी, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, द अजम्पशंस ऑफ कार्डिनल measurability of utility, constancy of marginal utility of money, continuous consumption and consumer rationality are unrealistic. ये कुछ assumptions हैं based on unrealistic assumptions. ठीक है, ये हमारी थी last limitation. यहाँ पे आके हमारा खत्म होता है law of diminishing marginal utility. और इस वीडियो को भी हम यहीं पे खत्म करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस. क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर सरप्लस. तो रिवाइज करो इसे और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.